स्मार्टफोन बाजार में चाइनीज मोबाइल कंपनियों का दबदबा खत्म होने वाला है। अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस के स्मार्टफोन्स भारतीय स्मार्टफोन बाजार में धूम मचाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहले सस्ता डाटा प्लान लाकर टेलीकॉम बाजार में खलबली मचा दी। अब कंपनी स्मार्टफोन बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। ये मोबाइल तकनीक के मामले में चाइनीज फोन से बेहतर होंगे, जबकि कीमत के मामले में चाइनीज फोन से सस्ते होंगे। माना जा रहा है कि इस साल के आखिर तक रिलायंस भारतीय बाजार में 10 करोड़ सस्ते 4G स्मार्टफोन उतार सकती है। इन फोन्स के साथ कंपनी सस्ते डेटा प्लान भी दे सकती है। ये फोन दिग्गज टेक कंपनी गूगल के एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर बने होंगे। इसका मतलब यह है कि रिलायंस के सस्ते स्मार्टफोन गूगल के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किए जाएंगे, यानी तकनीक गूगल की होगी और मैन्युफैक्चरिंग रिलायंस करेगी। इसी साल जुलाई में गूगल ने जियो में 33,600 करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया था। इस निवेश का कुछ हिस्सा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च होगा। भारत में सस्ते स्मार्टफोन का बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे में मौजूदा समय में चीनी स्मार्टफोन शाओमी, रियलमी, ओप्पो और वीवो जैसी कंपनियों को जियो स्मार्टफोन से सीधे टक्कर मिलेगा। चीनी कंपनियों के अलावा सैमसंग के कारोबार भी प्रभावित होने की संभावना है। भारत में $2 बिलियन के स्मार्टफोन मार्केट पर चीनी कंपनियों का कब्जा है। भारत में बिकने वाले 29% स्मार्टफोन चाइनीज कंपनी शाओमी के होते हैं, जबकि सैमसंग का शेयर 26%, वीवो का 17% और रियलमी का 11% है। ऐसे में ओप्पो के 9% और दूसरे ब्रांड के 8% स्मार्टफोन भारत में बिकते हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर होता है कि देश के स्मार्टफोन बाजार पर चाइनीज मोबाइल कंपनियों का दबदबा है। लेकिन भारत में चीनी कंपनियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन की वजह से चाइनीज मोबाइल्स की बिक्री में गिरावट आ सकती है और इसी का फायदा रिलायंस को मिलेगा। काउंटर पॉइंट रिसर्च के मुताबिक भारत के करीब 45 करोड़ लोगों के पास स्मार्टफोन है। करीब 50 करोड़ लोगों के हाथ में अब तक स्मार्टफोन नहीं आया है। गूगल और जियो ऐसे लोगों के लिए बेहद सस्ता स्मार्टफोन लाना चाहती है। काउंटर पॉइंट रिसर्च और IDC के एनालिस्ट के मुताबिक स्मार्टफोन के दायरे से बाहर रह रहे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए जियो गूगल को 4,000 रुपए से कम कीमत वाले स्मार्टफोन बनाने होंगे, जो आज के समय में थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन मुकेश अंबानी जैसे दिग्गज कारोबारी के लिए ये नामुमकिन नहीं है। मुकेश अंबानी को कारोबारी दुनिया का वर्षों का अनुभव है। जियो की शुरुआत में ही कुछ लोगों ने फ्री डेटा स्कीम पर सवाल उठाए थे, लेकिन आज फ्री डेटा की मुहिम से ही जियो देश की नंबर वन टेलीकॉम कंपनी बन गई है। जियो के पास आज सबसे ज्यादा यूजर्स है। ऐसे ही चाइनीज मोबाइल कंपनियों को झटका देने के लिए जियो को सस्ते स्मार्टफोन लाने होंगे। जियो और गूगल जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।